सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो डूड, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बट वो मैंने पोस्ट नहीं करी। ओ डूड, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस वीडियो को आखिर मैंने पोस्ट क्यों नहीं करा। तो डूड, मैंने उस वीडियो को पोस्ट नहीं करा आपकी वजह से। हाँ डूड, आपकी वजह से, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेरे को एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट सेंड करा था और उन्होंने कहा था कि आप बस हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू करो और वो प्रोडक्ट आप रख लेना। बट प्रोडक्ट का मुझे ऑनेस्ट रिव्यू करना था। मैंने वीडियो तो बना ली थी, सब कुछ कर दिया था, उसकी अनबॉक्सिंग, उसका ओवरलुक, सब कुछ प्रॉपरली वीडियो में दिखा दिया था, इवन एडिट तक कर दी थी डूड, एक एक चीज़ बताई थी, डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें, इंग्रेडिएंट्स, उसका प्राइस, सब कुछ। बट डूड, उस वीडियो को मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू देना था। तो मैंने उसको अराउंड 20 to 25 days रेगुलरली अपने ऊपर यूज़ करा है, उसकी हर चीज़ जानी है, उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ, तभी मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखो, फिर मैं इसका बताता हूँ फ़ायदे और नुकसान। आज से 3 दिन पहले मेरे पास ईमेल आया था द मैंस कंपनी का, जो कि स्पेशलाइज्ड है ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में और बियर्ड्स में स्पेशली। सो डूड, उन लोगों का मैसेज आया था कि हम लोग आपको एक प्रोडक्ट भेज रहे हैं, बस आप लोगों को उस पर वीडियो बनानी है और वो प्रोडक्ट आप रख लेना। बट मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को, तो उसका रिव्यू मैं आज नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा देता हूँ वो क्या है। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट। सो दिस इज वॉट दे हैव सेंड मी। आप लोग देख सकते हो ये द मैंस कंपनी से, और अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है, ये बिल्कुल सील पैक्ड है। सो इसका मुझे रिव्यू करने को कहा था, तो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा, बट आज से कुछ टाइम बाद। मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ, अभी मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं करी है इसकी। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन अनबॉक्सिंग वीडियो, सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इसके अंदर क्या है। सो बेसिकली दिस ऑयल इज फॉर प्रमोट ग्रोथ, स्ट्रेंथ हेयर एंड कंडीशन हेयर एंड प्रोवाइड शाइन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो दिस इज द पैकेज, द पैकेज इज रियली नाइस। सो ये प्रोडक्ट आप लोगों की मूछों के लिए है, जिन लोगों को मूछे बहुत ज्यादा पसंद है वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप लोगों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आप लोगों की मूछों में शाइन लाता है और आप लोगों की बालों को स्ट्रेंथ देता है। सो अब इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। So let's see. So this is what we have inside. जैसे कि आप लोग देख सकते हो. So let me smell it and see. Okay. So हमारे पास यहाँ पे स्टील बॉल है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक की बॉल देखने को मिलती है एंड आई डोंट प्रमोट प्लास्टिक, सो दैट्स अ गुड थिंग। स्मेल इज क्वाइट नाइस, ऑयल के हिसाब से बहुत अच्छी स्मेल है। इट्स नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट टू लाइट, इट इज़ जस्ट गुड। तो आपकी नोज के पास होगा, आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। सो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, लाइक मैं लगा के दिखाता हूँ। ओके, यू कैन सी द शाइन। सो दिस इज फ्रॉम द मैन कंपनी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप लोग नीचे जाके मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे इसका पूरा लिंक दे दूंगा। इसका प्राइस अराउंड 250 है, तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर। तो जैसे कि अब आप लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग और इसका आउटर लुक देख लिया है, तो अब करते हैं इसका रिव्यू। सो डूड, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करे गए हैं इसको बनाने में, जैसे कि जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल और आलमंड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल हो गया, और भी बहुत सारे अच्छे और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। सो डूड, इसका साइड इफ़ेक्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका एक एक इंग्रेडिएंट बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा है। सो डूड, मुझे तो ये अच्छा लगा, मैंने इसको बहुत दिन अपने ऊपर अपने फेस पे यूज़ करा, तब मैंने बियर्ड भी छोड़ी हुई थी, मैंने शेव नहीं करा था, मैंने शेव आज से 2 दिन पहले ही करा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो डूड, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले मैंने बियर्ड तो नहीं रखी है बट हाँ, इसने मेरी बियर्ड को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाया था। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों की बियर्ड या मस्टैच नहीं आती है और आप लोग कोई ऑयल लगाओगे तो उससे आ जाएगी, सो डूड मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों के मेल हार्मोन्स अच्छे नहीं हैं या फिर आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसी है कि आप लोगों की बियर्ड नहीं
नहीं आती है। सो डूड आप कुछ भी लगा लो, आप लोगों की बियर्ड नहीं आएगी। सो डूड अपने पैसे वेस्ट करना बंद करो, और अगर आप लोगों को ये लेना है सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द शाइन, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फेस, ये बहुत अच्छा है, आप लोगों को प्रॉपरली बहुत यूज़फुल है। बट अगर आप लोगों को अपने फेस में, अपनी बियर्ड में नरिशमेंट चाहिए, बहुत अच्छी शाइन चाहिए, और आप लोग चाहते हो कि वो प्रॉपरली आए, जैसे कि आप लोगों की कहीं पर आती है कहीं पर नहीं आती, सो डूड ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आप इसको जाके ले लो। ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ द मनी। 250 रुपीज़ आजकल कुछ नहीं होते हैं यार, इतनी महंगी महंगी चीज़ें आ रही हैं। सो डूड ये बहुत अच्छी चीज़ है, ट्राई इट आउट, यू विल लव इट। सो डूड बस यही था मेरा रिव्यू इस छोटी सी चीज़ का। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू गाइज डिड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी जो वीडियो दिखाई है उसमें भी कहा है। सो कर दो यार, सी ऑफ।